भारत में सबसे ज्यादा यात्रा लोग ट्रेन से करते हैं। आए दिन यात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि भारतीय रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है। यात्रियों की बढ़ी वेटिंग लिस्ट और भारी भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे कई ट्रेनों के अतिरिक्त कोच लगाने जा रहा है। हाल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बच्चों के खिलाफ अपराध के संबंध में पुलिस के लिए कानूनी प्रक्रिया विषय पर एक पुस्तिका जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सरकार मुल्क को महिला व बाल हिंसा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को हो रही लगातार बारिश से मुंबई वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर है। वहीं गुजरात के विभिन्न इलाकों में भी रविवार शाम से भारी बारिश जारी है। राज्य में सबसे अधिक बारिश बलसाड़ के उमरगांव तालुके में दर्ज की गई है। यहां बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां लगभग 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ के अंडी गांव के स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में पर्यावरण शिक्षा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यहां पौधा लगाना और उसे 4 वर्ष तक पाल कर बड़ा करना स्कूल में दाखिला पाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके लिए छात्रों को 10 बोनस अंक भी दिए जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और अहमियत तेजी से बढ़ी है। चीन में महत्वाकांक्षी प्लान 2025 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप चाल से दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ सकता है। ट्रंप के इस कदम से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध और तेज हो सकता है। इन दिनों अमेरिका के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ता चीनी निवेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। चीन और नेपाल ने गुरुवार को 14 और समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें नेपाल के रेलवे नेटवर्क तैयार करने का समझौता प्रमुख है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति शी ने उन्हें नेपाल के विकास में पूरे सहयोग का भरोसा दिया था। भारतीय शेयर बाजार कमजोरी के साथ खुला है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 35,399 के स्तर पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी 22 अंक गिरकर 10,740 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप इंडेक्स में 0.31% और स्मॉल कैप में 0.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में म्यूमरीन लाइन्स स्थित बिरला मातोश्री सभागृह में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। यहां उन्होंने आपातकाल और हालिया कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगातार कांग्रेस ने देश के एक बहुत बड़ा पाप किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर वक्त ईवीएम का रोना रोने वाली कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव के समय क्या ईवीएम याद नहीं आई। राजकुमार हिरानी निर्देशित संजू फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होगी। संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म के बारे में दर्शकों की जिज्ञासा रिलीज की तारीख नजदीक आने के साथ बढ़ती जा रही है। फिल्म के ट्रेलर में संजय दत्त खुद के बारे में बताते हैं कि वे बेवड़ा हैं, ठरकी हैं, ड्रग्स एडिक्ट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन टेररिस्ट नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही क्रिकेट मैच ना हो रहा हो, लेकिन जिस भी खेल में आमने सामने होते हैं उसको लेकर क्रेज जबरदस्त रहता है। कबड्डी मास्टर का आगाज हो चुका है और भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार आगाज किया। दुबई में शुरू हुई कबड्डी मास्टर में पाकिस्तान को पहले ही मैच में भारत के खिलाफ हार झेलनी पड़ी।